हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सातवें चरण की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आने वाली है, चाहे 1 से 5 के लिए हो, चाहे 6 से 8 के लिए हो, और इसके साथ ही जो हाई स्कूल यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए हो। इसमें कमेंट्स में जो है एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कौन से अभ्यर्थी सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यानी उनका पूछने का जो है मतलब ये है कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स की जो डेट है उसके अनुसार, यानी सीटेट का चाहे डॉक्यूमेंट्स का डेट हो, चाहे बिहार टेट का डॉक्यूमेंट्स का डेट हो, चाहे बीएड का हो, चाहे डीएड का हो, तो किस किस डेट तक, आखिर किस डेट तक के अभ्यर्थी जो है उस शिक्षक बहाली प्रक्रिया यानी सातवें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है उसमें आवेदन कर सकते हैं, तो उसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। इसमें जो बहाली प्रक्रिया होती है, जो सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया हो, जो अभी छठे चरण की बहाली प्रक्रिया चल रही थी, उसमें जो कट ऑफ डेट होता है, कट ऑफ डेट का मतलब होता है कि जो आवेदन के अंतिम तिथि होती है, ठीक है। जैसे जो विज्ञापन निकलता है, नोटिस जो जारी किया जाता है, उसमें जो है एक लाइन जो है लिखी रहती है कि आवेदन या विज्ञापन की अंतिम तिथि तक, ठीक है। मान लिया जैसे जनवरी चल रहा है, ठीक है, 20 जनवरी मान लिया कि जो है कोई कट ऑफ डेट दे दी गई कि 20 जनवरी को अंतिम तिथि है आवेदन पत्र जमा करने की, तो 20 जनवरी तक, ठीक है, 20 जनवरी तक या उससे पहले, ठीक है, 20 जनवरी तक या उससे पहले आपकी जितनी भी डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीएड की हो, चाहे सीटेट की हो, चाहे बीटेट की हो, चाहे डीएलएड की हो, तब तक आपको वो पास आउट कर जाना है, ठीक है। यानी कि 20 जनवरी का कट ऑफ डेट दी गई है या आवेदन की अंतिम तिथि दी गई है, तो 19 जनवरी को आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप उस डेट में पास आउट होने चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी मिला हो तो बाद में मिल जाता है, लेकिन उस डेट तक आपको जो है पास आउट होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं विज्ञापन के आवेदन की अंतिम तिथि या कट ऑफ डेट। यानी कि इस कट ऑफ डेट तक, ठीक है, या आवेदन की अंतिम तिथि तक वैसे सभी अभ्यर्थी सातवें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए योग्य होते हैं जो अपना एग्जाम पास आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 20 जनवरी का हमने एग्जाम्पल दिया है कि 20 जनवरी कट ऑफ डेट है या आवेदन की अंतिम तिथि है, तो अगर 21 जनवरी को आप पास आउट करते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे टीचर ट्रेनिंग का हो, चाहे सीटेट हो, चाहे बीटेट हो, तो फिर वो आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा, वो जो है आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपकी जो शैक्षिक अर्हता है या शिक्षक प्रशिक्षण की जो अर्हता है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप आवेदन के लिए योग्य होंगे। ये कमेंट्स जो है बहुत लोगों ने पूछा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।